में व्यूज भी नहीं आएगी ना, कोई बात नहीं यार, क्यों ना, क्योंकि ना मुझे ये वाली ना सेफ रखनी है, और यहीं से हमारी गृहस्थी शुरू हुई थी। होता ही है, जहाँ से हमने गृहस्थी जोड़ी है। मैं घर से, जब मैं यहाँ आई कमरे पे, घर से मैं सिर्फ एक अटैची लाई। यहाँ पे माँ जा रही है, तो केविन और दक्ष और हमारी गुड़िया रानी आ जाओ आ जाओ। अच्छा, तो सामान वो कर, तो ये तीनों के तीनों जा रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट जा रहे हैं इंडोर, जो कि पौड़ी में बना है। तो कहाँ है पौड़ी में, किस जगह पे है पौड़ी में? ऊपर जहाँ मेला लगा ऊपर ही। तो ये तीनों के तीनों जा रहे, इधर दिखा भाई। आज तो कर दिया भाई इन्होंने, भाई भाई। और केविन, केविन को तो मैंने ऐसे ही बता दिया था, खड़ा उठ जा। तो यहाँ पे रहते थे केविन हम, जो लास्ट वाले में, वो तो मैंने बता भी दिया था, पर इस बार मैं वीडियो में बता रही, ठीक है, कि हम जो ये लास्ट वाला वो था हमारा कमरा, तो इस पे हम रहते थे पहले, और ये है सरकारी क्वार्टर। तो इसीलिए मैं यहाँ आई, मैंने कहा यार जब जहाँ पहले रहो ना, तो वहाँ की यादें कुछ अलग ही रहती है। तो जब शुरू शुरू आए थे ना, तो तब मैं यहाँ आई थी, तो ये वाला कमरा हमारा था सबसे पहले। तो 2.5 साल रही मैं यहाँ पे, और केविन यहाँ पर, आंटी जी रहती थी जसोदा आंटी जी, और पता ही नहीं चला 2.5 साल कब बीते यहाँ पर। और देख सकते कितना सुंदर लोकेशन के साथ रहते थे हम यहाँ पर, बहुत सुंदर लोकेशन था यहाँ पे, बहुत शांत प्यारा और सुंदर सा माहौल। तो केविन, केविन को तो यहाँ पे कुछ याद नहीं होगा ना केविन, केविन को तो, केविन छोटा था, 2-3 साल का था केविन यहाँ पे। मेरे को ये याद है, मम्मी ने यहाँ पे बर्फ का इग्लू बनाया, वो तो फोटो में देखा आपने ना। तो यहाँ पे इतनी बर्फ गिरती थी ना, कि मतलब घुटने तक बर्फ गिरती थी यहाँ पे। तो केविन कह रहा, हमने फोटो खींच रखी, तो मैंने केविन को भी दिखाया, तब कह रहा कि मम्मी इतना सारा बर्फ गिरा था। हाँ, तो यहाँ पर भी पहले ऐसे नहीं था, यहाँ पर उसके बाद से बर्फ ही नहीं गिरी। नहीं नहीं क्यों नहीं गिरी, बर्फ भी गिरे उसके बाद, वो तो हमने नहीं देखा, पर यहाँ गिरते रहते हैं। पहले ऐसे था यहाँ पे, जैसे उधड़ पुधड़ हो रखा होगा। तो सीमा और ससी ने यहाँ पे पठाल लगा दिया इन्होंने, और बहुत समतल कर दिया है। और यहाँ पर है, तो यहाँ पर है ससी का कमरा, यहाँ पर है सीमा का कमरा। ससी भी हमारे चमोली साइड की है, तो ससी ससी के बिना भी यहाँ पे अधूरा अधूरा लग रहा, नहीं तो ससी भी रहती और उसके बच्चे भी रहते और चहल पहल मिलती, पर वो भी घर जा रखे छुट्टियाँ पड़, क्या पता आज आ सकते हैं या कल आ सकते हैं। तो बच्चे हो गए हैं तैयार। तो ऊपर वाले जो कमरे हैं, दो कमरों में पिंकी और सुषमा लोग रहते थे, दोनों बहनें और आंटी जी अंकल जी। तो बहुत अच्छा दिन था यार यहाँ पर, जब यहाँ पर रहते थे ना, तो ऐसा नहीं लगता था हम बाहर रहते होंगे, ऐसे ही लगता था कि जैसे हम अपने गांव में होंगे, अपने घर होंगे। तो यहाँ पर बच्चे भी चले गए हैं, तो बैग में इन्होंने रैकेट के डब्बे रखे हैं, इस साइड बैडमिंटन रखे हैं। जाओ फिर, इन तीनों की इतनी अच्छी दोस्ती बन गई ना, मस्त। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप सभी लोग? और मैं भी ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। हो गई है आज की वीडियो की शुरुआत, और यहाँ पर सीमा भी चले गई है चाची जी को छोड़ने, और बच्चे भी चले गए हैं इंडोर, और मैं हूँ अकेली यहाँ पे। और लग भी नहीं रहा कि मैं अकेली हूँ, कितनी सुंदर, इतना सुंदर लोकेशन है यहाँ पे, इतनी सुंदर जगह है, कितना सुकून मिल रहा है यार। अजय चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे होंगे ना मेरे पीछे से, वो भी बहुत प्यारी और बहुत सुंदर धुन लग रही है।
और ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं किस जगह में आ रखे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि सपना हो गया, कि सपना से ऐसा लग रहा है कि होता है यार। अक्सर देखना जो जो दिन बीत जाते हैं ना, वो दिन बहुत याद आते हैं यार अंदर। मतलब ठंडी हवा सुबह के टाइम पे ना, यहाँ पे इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, ठंड जैसी लग रही थी, इतनी मोटी कमल निकाल रखी थी। और यहाँ पे मैं एक चीज दिखाऊंगी आप सकते हैं, ऊपर बिल्कुल फैन नहीं है, खाली दिख रहा होगा आपको, और खाली दीवार है, ये कमरा है और ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल फैन नहीं है। मतलब यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती फैन की, फैन की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ। इस बार थोड़ा सी गर्मी लग रही है, तो वैसे हम इतने रहे यहाँ 9 साल रही मैं यहाँ पौड़ी में, कभी मतलब जून जुलाई में फैन की जरूरत ही नहीं, पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऊपर देख सकते हैं हुक भी नहीं है पंखे का, नई नई मकाने बन रखी है, शायद से वहाँ लगे होंगे पंखे और उन लोगों ने सबने लगा रखे होंगे पंखे। अगर पर यहाँ देख सकते हैं, जहाँ हम पहले यहाँ रहते थे यहाँ भी नहीं था, उसके बाद हम यहाँ नीचे गए रेंट पे तो वहाँ भी नहीं था। ये है सीमा चाची जी को छोड़ के, तो सीमा की भी ऐसा ही होता है जैसे मेरे गालों में होता है। सीमा थोड़ी देर देखो, हाँ। ये देखो तुम, तो सीमा के गाल भी आज लाल लाल दिख रहे हैं। तो जैसे सीमा ना यहाँ ऊपर चढ़ाई है ना, चढ़ाई में चढ़ के ना ऐसे ही होता है, जैसे मेरे गाल क्या होते हैं, सीमा के गाल भी ऐसे होते हैं। दीदी और मेरी स्किन एक जैसी है, हाँ। जैसे दीदी के है ना वैसे ही मेरी भी है। मेरी भी आजकल ऐसी हो गई है, भाग दौड़ में ना ऐसी हो जाती है मेरी, धूप बिल्कुल, धूप से एलर्जी है। हाँ दीदी को भी वही है, धूप से एलर्जी बस, जैसे इसका चेहरा है ना वैसे ही मेरा चेहरा भी हो रखा है। थोड़ा जाऊंगी छत फिर जल जाएगा, तो यहाँ पे आज पानी आ रखा है बड़ी मुश्किल से, पानी भी तो वही है बड़ी मुश्किल, सारे बर्तन भर दिए है और इतने सारे गमले लगा रखे, इतने सारे पौधे लगा रखे हैं, तो इनमें तरावट की जरूरत भी है, पर क्या करें पानी तो है ही नहीं, सूख भी गए है ना। हाँ। ये पानी ऐसा है, इसका इंतजार करो, वो मैं इसमें लगा रही थी, देखो। हाँ। इसने डाल रखी है और पाइप तो ऐसे ही रखा मैंने, और आज तो बड़ी मुश्किल से पानी, अमीर तो जैसा लग रहा है पानी तीसरे चौथे दिन में आ रहा पानी। और कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत हमारी बहन है और खूबसूरत जगह पर भी रहती है देखो तुम। चलो फिर मैं थोड़ा आगे कह रही थी ना कि मेरा कमरा था यहाँ पे पहले था, कि आप लोग बोल रहे हो ना बार बार दिखा रही है, पर मुझे ये लग रहा है कि अगर इस वीडियो में व्यूज भी नहीं आएगी ना कोई बात नहीं यार, क्यों ना, क्योंकि ना मुझे ये वाली ना सेफ रखनी है, और यहीं से हमारी गृहस्थी शुरू हुई थी। जब मैं शुरू, सेम कमरा है जैसे उसके कमरे हैं ना सीमा के, तो सारे कमरे सेम है यहाँ पे, तो आप लोगों को लग रहा हो कि बार बार ये दिखा रही है मेरा कमरा ये है, मेरा कमरा ये है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और होता ही है, जहाँ से हमने गृहस्थी जोड़ी है, मैं घर से जब मैं यहाँ आई कमरे पे, घर से मैं सिर्फ एक अटेजी लाई थी, डिनर सेट लाई थी घर से, और कुछ ही नहीं लाई थी, और यहीं से हमने गृहस्थी जोड़ी है। मतलब पूरी गृहस्थी हमने यहीं से जोड़ी, छोटा ले सामान से लेकर जमीन से लेकर, यहाँ पर हमने पूरी गृहस्थी जोड़ी है। यहाँ पे पूरा सामान जो भी होता है घर का, पूरा घर का सामान जोड़ा है। और सबसे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे ही मेरा केविन हुआ था, और केविन का 2.5 साल हम यहीं पर रहे, केविन का बचपन यहीं पे था, तो कितना अच्छा लगता जहाँ पे केविन अपने बच्चे की मेमोरी में देखने में, यहाँ पे उसको तपाती थी, यहाँ पे उस पर तेल लगाती थी, यहाँ पे वो खेलता था, उन चीज़ों को देख के ना मुझे अजीब सा रोल हो रहा है बाहर पे, मतलब अंदर अजीब सा लग रहा है। तो वही चीज़ों की मेमोरी मैं यहाँ पे सेव करना चाहती थी और वही कर रही हूँ। कमरे तो वैसे ही है जैसे हमारे, जैसे सीमा के कमरे सेम है सब यहीं पे, पर मैंने यहाँ पे ताला लगा है और चाबी तो ऑफिस में होगी। तो ऐसा होता है कि पुरानी चीज़ें के तो देख के होता ही है ना। तो बहुत अच्छा रहा हमें यहाँ पे, यहीं से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, यहीं से हमारी ज़िंदगी, यहीं से हमने अपनी घर गृहस्थी जमाई, बेटा यहीं पे हुए, ज़मीन जमीन जो भी है हमने यहीं से जोड़ा है। और ये ज़मीन हमारे लिए बहुत लकी थी, बहुत ज़्यादा लकी थी। 2.5 साल तो हम यहीं पे रहे, उसके बाद हम नीचे चले गए थे क्योंकि केविन फिर स्कूल वाला हो गया था, और यहाँ से केविन के लिए स्कूल दूर पड़ रहा था। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो क्या पता मैं जाऊँगी वहाँ पर भी, वहाँ पर भी मैं 6-7 साल रही, और वहाँ पर भी क्यों नहीं है यार, है ना, 6-7 साल भी वहाँ पर रही। यहाँ पर यह है कि गृहस्थी शुरू होती थी, जहाँ से गृहस्थी शुरू होती है ना वहाँ पर अलग अलग यादें रहती है। वहाँ पर भी 6-7 साल की यादें हैं केविन के साथ, हमारा जो भी दुख सुख कई चीज़ें होती है ज़िंदगी में। वहाँ पर भी मुझे टाइम मिलेगा, आंटी अंकल जी को जरूर मिलने जाऊँगी। एक दरवाज़ा यहाँ पर था, यहाँ से भी बाहर अंदर आ सकते थे, और उसका भी ऐसी है, मतलब दोनों साइड दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा यहाँ पर है और ये कॉर्नर था इस साइड, तो ऐसा था, पीछे भी बरामदा था। अब तो देखो यहाँ पे इस पर कोई नहीं रहता, टूट फूट हो गया है। जब हम रहते थे जो यही होता है, जहाँ पर सभी रहते हैं ना वहाँ पर साफ़ सुथरा भी रहता है और फिर अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे आंटी जी भी रहती थी बगल में, और सीमा और ससी जो कि घर जा रखी है, उसको बहुत मिस कर रही हूँ मैं, वो उस साइड रहते थे। तो ये पीछे वॉशरूम था और यहाँ पे ये किचन था, यहाँ से भी अंदर बाहर जाने का रास्ता था। और केविन को मैं यहीं पर नहलाती थी, मैं भी कपड़े उपड़े यहीं पर धोती थी।
फिर धूप सेकने के लिए ऊपर छत में आते थे। छत में आने के लिए लंबा रास्ता था, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और छत में ये धूप सेकते थे। यहाँ पर भी हम शाम को टहलना जो भी था, और इतना सुंदर लोकेशन था। और यहाँ पे पहले ऐसा बड़ा गार्डन नहीं था, यहाँ पे बहुत सुंदर गार्डन बना रखा है, पार्क बना रखा है। और हमारे घर के जस्ट बगल में ये सुंदर सा व्यू दिख रहा होगा, ये ल्वाली गांव है, बहुत सारे गांव है यहाँ नीचे। तो इस समय सुबह सुबह की जो धूप की किरण है, फिर धुंध भी लगी है ना, तो इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। ये थे सरकारी क्वार्टर, और यहाँ पीछे का व्यू मैंने दिखा दिया है, और ये है कमिश्नरी ऑफिस ऊपर है ना। यहाँ पे सुषमा लोग रहते थे, तो पहले यहाँ पे जाली नहीं थी, खुला था, तो वो ऊपर से रहते थे और हम नीचे से बहुत बातें करते रहते थे।